Shine bright up all night, we're never slowing down. हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो अभी टाइम हो रहा है 9:57 यानी कि 10 बजने वाले हैं पूरा। तो कल आपने देखा था कि कल मैं खेत से सारा अदरक लाके यहाँ पे मैंने रख लिया था। तो पूरे जो खेत का अदरक निकाला था तो वो ये रहा। तो आज इसे धोना है। तो फ़िलहाल अभी लगी हुई है बारिश, तो बारिश में कैसे धोएंगे हम। तो फ़िलहाल मेरा रेन कोट तो मेरा पहन रखा है, तो बारिश में ही देखते हैं। बारिश अगर रुकती है तो ठीक, नहीं तो बारिश में ही हम धोएंगे। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे 2 टप्पू रख रखे हैं। तो एक में अदरक मेरा डाल रखा है और दूसरे में उसी अदरक को मैं डालूंगा और दूसरी बार धो के बाल्टी में डालूंगा और बाल्टी से मैं सीधा उसमें छत में सुखाने के लिए रख दूंगा। तो अभी तो फ़िलहाल बारिश हो रही है, तो देखते हैं क्या मौसम बनता है आगे। थोड़ी देर के लिए ही सही पर बारिश रुकी तो सही। फिर से बारिश लग चुकी है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी हमने पूरा अदरक धो दिया है और आप देख सकते हैं पूरा अदरक छत में सुखाने के लिए डाल दिया है। और यहाँ पे कीचड़ हो रखा है, जो मिट्टी अदरक से निकल के आई थी। तो अब उसे हम साफ़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे झाड़ू से साफ़ करेंगे। अब इसमें पानी से धो के पूरा इसे साफ़ कर देंगे। आप देख सकते हैं कि उंगलियों के हाल कैसे हो रखे हैं। तो 4 घंटे तक अदरक धोते धोते उंगलियों के ऊपर से देख सकते हैं आप क्या फट चुके हैं पूरे। मुझे याद आया दोस्तों कि मैंने A2 सर की एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे हाथ ज़्यादा देर पानी में रहने से खुरदरे हो जाते हैं। तो इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो हाथ होते हैं पानी में अच्छी तरह से ग्रिप नहीं कर पाते हैं और किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमारे हाथ खुरदरे हो जाते हैं। ये रही दोस्तों ककड़ियाँ, ये है दोस्तों पहाड़ी ककड़ी। अदरक धोने के बाद दोस्तों लग गई है बहुत ज़्यादा भूख। तो अभी हम चलते हैं खाना खा लेते हैं। तो खाने में है आज के खाने में है दोस्तों चावल और कड़ी, और ये आप देख सकते हैं मेरा सलाद। तो ये है ककड़ी या खीरा बोलते हैं इनसे। खाना खाने के बाद आ रही है बहुत ज़्यादा नींद और अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तो अभी 1-2 घंटे का ब्रेक होगा, तो हम मिलते हैं शाम को। दोस्तों ये है कुकून, इसे तो आप जानते ही होंगे। और इससे बाद में तितलियां बाहर निकल के उड़ जाती हैं। तो ये कुकून किससे बनता है ये भी मैं बता दूं। ये कुकून बनता है इस कीड़े से। तो इस कीड़े की ऊपरी खाल निकल जाती है और उसके बाद ये कुकून के रूप में लटक जाता है और उसके बाद तितलियां इससे बाहर निकल के उड़ जाती हैं। तो इसका एक और यहाँ पे है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसे लटक जाते हैं ये, और उसके बाद ये ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसे लटकने के बाद इनकी ऊपरी खाल निकल जाती है और उसके बाद इसमें कुकूंद बन जाता है, और कुकूंद बनने के बाद तितलियों के रूप में ये बाहर निकल के उड़ जाते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 6:25। तो अभी हम जा रहे हैं धारड़े में। मैं नहीं दिन भाई